लोग समझते हैं कि फिटनेस का मतलब आपके पास अच्छी मसल है, ठीक है ना, अच्छा आपका साइज हो गया है और भाई सिक्स पैक एब्स आपके निकल गए हैं, तो दैट इज फिटनेस। फिटनेस सिर्फ वो नहीं है, फिटनेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन मैं तीन मेन पैरामीटर्स मानूंगा, तीन स्तंभ फिटनेस के। सबसे पहला तो आपका इंटरनल अंदरूनी फिटनेस, मतलब कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन लेवल है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है अंदर, आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग तो सही है। सबसे पहली तो यही चीज है, सबसे पहले अपने आप को अंदर से फिट करो, कोई डाइजेशन के इश्यूज तो नहीं है। फिर है आप फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, फिजिकली फिट रहोगे तो ही फिर थर्ड पॉइंट आता है मेंटली फिट। मेंटल फिटनेस ये बहुत जरूरी है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, इंटरनली फिट नहीं हो, तो आपका माइंड भी सही से काम नहीं करेगा, आपका माइंड भी उसी जगह जाएगा, यार ये मेरे ये दिक्कत हो रही है, मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले इंटरनल फिटनेस, फिर आपका फिजिकल फिटनेस, और जरूरी नहीं है फिजिकल फिटनेस में भी कि भाई आपको मसल ही बनानी है या किसी को फैट लॉस ही करना है, किसी का गोल है जस्ट मेरे को एक्सरसाइज करनी है, तो हर एक बंदे का गोल स्पेसिफिक है और गोल स्पेसिफिक के हिसाब से आपको अलग अलग डाइट लेनी है। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सारी चीज़ें कम कर दो, भाई घी छोड़ दो, भाई घर का खाना छोड़ दो, बाहर की ब्राउन ब्रेड खाने लग जाओ, या हमें तो कीवी खाना है या एवोकाडो खाना है, हाँ हमें तो वे प्रोटीन ही लेना है, ये नहीं भाई, जो आपको मिल रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट में। हम अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो नेचुरली चीज़ें, जो ऑयल मिल रहे हैं, जो घी मिल रहा है हमें, जैसे गाय का घी है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ अच्छी है जो कि नेचुरली आपको मिल रही है, बस उसकी क्वांटिटी को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी हम फिजिकली फिट हो पाएंगे। थर्ड है मेंटल फिटनेस। अब मेंटल फिटनेस में भी एक पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि स्लीप, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, स्लीप, वो सोते ही नहीं है, ठीक है ना, रात को आप जो है जागे जा रहे हो, एक दिन आप जाग रहे हो, दो दिन जाग रहे हो, आप आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कुछ काम हो सकता है, लेकिन आपने रेगुलरली वो हैबिट बना लिया तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी पे क्या क्या असर होते हैं। अगर आप रात को नहीं सोगे तो अगले दिन आप लेट उठोगे, लेट उठोगे और आपका जो माइंड का एक साइकिल होता है ना, वो बिगड़ जाता है। अब व्हेन आई से मेंटली डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन माइंड के लेवल पे कैसे होती है ये लोगों को नहीं पता। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन का जो साइज होता है ना, 60-70% वो श्रिंक कर जाता है सोते समय। यस, और वो श्रिंक करता है तो जो ब्रेन के जो सेल्स है ना, उसमें कुछ परसेंट रूम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा। वो जो रूम क्रिएट होता है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंट्री लेता है और वो फ्यूज करता है उस स्पेस के साथ। अच्छा। और उससे आपका ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन होगी, ये एक बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल दी, लेकिन इसमें और डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक प्रोसेस यही है। और जब आप सुबह उठोगे ना तो आप फ्रेश फील करोगे, मेंटली आप अलर्ट ज़्यादा रहोगे एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो रात को सोते नहीं है फिर लेट सोते हैं, और जो रात को मतलब लेट सो रहे हैं सुबह उनको फिर स्टिमुलेंट्स की जरूरत पड़ती है, भाई कॉफ़ी लेनी ही पड़ेगी, चाय लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा, तो उस चीज़ की भी आदत पड़ जाएगी, वो सारा सिस्टम आपका बिगड़ जाता है, मेंटल अलर्टनेस आपकी चली गई, माइंड आपका क्लियर नहीं है, क्लैरिटी से आप सोच नहीं पाओगे, और एक्सरसाइज में भी इस चीज़ का इफेक्ट होता है, आप एक्सरसाइज भी ढंग से नहीं कर पाओगे, एनर्जी लेवल आपको डाउन लगेगा। सो ये तीन मेन चीज़ें हैं, मैं बोलूँगा कि प्रॉपर आप अपना हेल्थ चेकअप, मैं बोलूँगा कि अगर महीने में एक बार ही नहीं करा सकते तो साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर करवाओ। दूसरा पॉइंट है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना, अगर आपको रनिंग पसंद है, जैसे भाई हमारा चलाता है रन एवरी डे स्माइल एवरी डे, तो वो उसने स्माइल एवरी डे का जो रन एवरी डे के साथ स्माइल एवरी डे जोड़ा है ना, उसका भी अलग सिग्निफिकेंस है। अगर आप रन करोगे, फिजिकली फिट रहोगे, तो नेचुरली आप खुश भी रहोगे। तो रनिंग करो, जिम में कोई एक्सरसाइज करो, या फिर योगा करो, कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, स्विमिंग करो, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है टाइम पे सो जाओ भाई। एक मैं ये भी देखता हूँ कि सोने से कम से कम मैं एडवाइस करूँगा कि 30 से 40 मिनट पहले आपके फ़ोन वगैरह जो लाइट्स वगैरह है ना, ये ऑफ कर दो। फोन की लाइट्स वगैरह, आपका आईपैड्स वगैरह है, लैपटॉप कंप्यूटर है, ये सारी बंद कर दो। इससे आपका जो मेलाटोनिन है हार्मोन, जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप ये नहीं करोगे ना, और इससे क्या होगा कि वो मेलाटोनिन हार्मोन वो ब्लॉक हो जाता है, वो ब्लॉक हो गया तो आपको जिस लेवल की स्लीप आनी चाहिए ना, क्योंकि स्लीप के भी अलग अलग लेवल्स हैं,
ये तो फिर आगे कभी हम बात करेंगे, स्लीप के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो आप इनिशियल लेवल ऑफ स्लीप ही ले पाओ, क्योंकि वो हार्मोन की क्वांटिटी जिस अमाउंट में रिलीज वो होना चाहिए था ना, उतनी अमाउंट में वो हुआ नहीं, क्योंकि आपने स्क्रीन टाइम ज्यादा रखा और सोने से पहले भी आपका स्क्रीन टाइम ऑन था, तो मेलाटोनिन हार्मोन जितना रिलीज होना चाहिए उतना हुआ नहीं। और आपको जिस हिसाब से वो गहरी नींद जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल बॉडी जो रिकवर करती है, बॉडी को कोई भी फैट लॉस करना है, बॉडी को मसल गेन करना है, कीप इन माइंड वो जब हम सोते हैं तब होता है, जब बॉडी आपके रेस्ट टाइम होती है तभी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, जितने भी हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो सारा काम जो है हम जब सोते हैं तब होता है। और जितना हमारी स्लीप का लेवल डीप होगा उतना ही अच्छा हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। सो ये कुछ छोटी छोटी सी अंदर चलती रहती है, लेकिन अभी पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, हम ऐसे ठीक है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक तो मैं बता इसमें क्या दिक्कत है। नेचुरली हम बाहर से बहुत सारी चीजें ले लेते हैं कि हम ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये ले लेंगे, हम सोने के लिए भाई हमें नींद नहीं आती तो कोलेजन ले लेंगे, ठीक है ना, ये वाइटमिन ले लेंगे, वो ले लेंगे, हमें नींद अच्छी आ जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी ने जो खुद के लिए जो वो चीज बना रखी है, जो खुद एक रिदमिक साइकिल बॉडी ने बना रखा है डिटॉक्सिफिकेशन का, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, सो वो चीज गलत है। तो ये तीन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो आई थिंक कोई भी बंदा फिट रह सकता है। देखिए कम से कम यार आपको ज्यादा नहीं मैं कहता, हर एक बंदा देखो बिजी है अपनी लाइफ में, सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है, लेकिन इतने भी बिजी नहीं होना है कि आप अपनी शरीर के लिए ही टाइम नहीं दे पा रहे। कल को जब आप हॉस्पिटलाइज हो गए ना, बेड पे बैठे हो गए, लेटे हो गए और ये सोच रहे हो गए ना कि भाई यार काश एक दिन मेरे को और मिल जाए, काश मैं इस बीमारी से निकल आऊं, तो मैं भाई भगवान बस आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बस एक बारी मेरे को इस बीमारी से निकाल दो, उसके बाद अपने शरीर पर ध्यान दूंगा, तो वो सिचुएशन आने से पहले ही अगर आप संभाल लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इससे तुझे पता है इसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ और ये तूने पढ़ा हो तो? इंश्योरेंस तो यार हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम की नीड है, अगर आप नहीं करवाओगे तो आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी इस चीज में। ज्यादा डिटेल में तो देखो इतना नॉलेज मेरे को इंश्योरेंस वगैरह की नहीं है, लेकिन एक बेसिक इंश्योरेंस जो है लाइफ टर्म इंश्योरेंस वो होना चाहिए, ठीक है, बेशक वो बंदा कितनी एक्सरसाइज करे। बिल्कुल, चाहे आप कितनी एक्सरसाइज करो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ होएगा ही नहीं, ठीक है ना। आज के टाइम में आप कल का किसी का कोई भरोसा नहीं होता, बेसिक इंश्योरेंस तो वो हर एक के लिए इंश्योर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ अकेले तो नहीं आए हो, आपके पीछे लुक अप टू करने के लिए आपकी फैमिली भी तो है। एक मैं जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस जो बोलूंगा ना, लोग जो है अपनी मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, अपनी स्टडीज वगैरह पे लगाते हैं, एक जॉब ले लेते हैं, फिर लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लेते हैं, फिर क्या है, लेकिन वो हेल्थ पे एक रुपया भी लगाना नहीं चाहते। वो फिर जो लाखों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं ना, फिर वो फिर दवाइयों पे लगाते हैं, तो ना तो वो लाइफ जी पाते हैं ढंग से, पैसा भी उन्होंने सारा वेस्ट कर दिया, वही पैसा जो उन्होंने कमाया वो सारा दवाइयों पे लगा दिया, लाइफ उन्होंने जी नहीं, तो मतलब क्या रहेगा फिर इस लाइफ को। मेरे हिसाब से थोड़ा पैसा आप कम कमा लो, लेकिन थोड़ा टाइम दिन का आप एक घंटा अपनी हेल्थ को जरूर दो, और जो चीज आप खा रहे हो ना, ध्यान से अपने आप से दो सवाल जरूर पूछो, ये जो चीज मैं खा रहा हूँ ये चीज मेरे को किस तरह से बेनिफिट करेगी, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो चीज मैं खा रहा हूं ये मेरे को जो अफेक्ट पड़ रहा है ये सिर्फ मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं है, आपको ये चीज देखनी है कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल जंक फूड खा रहे हो तो वो कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है, समझ रहा है, मतलब हमने ये तो कर लिया कि भाई चलो ठीक है मैंने हफ्ते में 7 दिन या हफ्ते में 6 दिन मैंने सही खाना खाया, एक दिन मेरा है फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ खाना है, मेरे को क्रेविंग्स हो रही है कुछ मीठा खाना, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी बहुत जरूरी है। तो पहला तो है कि अगर आप रोज वो चीज खा रहे हो पहले खुद से ये सवाल पूछो, ये चीज मेरे लिए जरूरी भी है कि नहीं, ये मेरे को किस तरह से अफेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा खा भी रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन में जाना पड़ेगा, बाहर वैसे फ्रेंड्स हैं उनके साथ खाना का आपका मन है भी खा रहे हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आपको लिमिट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप खाए जा रहे हो आपका मन कर गया नहीं यार ये तो, क्योंकि ये जंक फूड बने इस तरह से, ये एक तरह से ये भी एक तरह से पॉइजन ही है, ये एक तरह से टॉक्सिक ही है, टॉक्सिकेंट्स इंटॉक्सिकेंट्स ही है। एक बार आपको आदत पड़ेगी जंक फूड बनाए इस पर्पज से, क्या है कि एक बार जो उसको खाना स्टार्ट कर देना उसका मन करेगा उसको बार बार खाना बार बार खाना। तो माइंड में अपनी वो इंटेलिजेंस, इसी को बोलते हैं अपनी इंटेलिजेंस, इसका यूज करो कि भाई मेरे को इतना ही लेना है, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपने टाइम को, ठीक है ना, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपने लिए भी आप कम टाइम निकाल पाते हो, लेकिन
कुछ भी हो, चाहे कितने ही बिजी हो, मैं ये बोलूँगा कि आपका एक घंटा या आधा घंटा जो भी है वो आप अपने लिए ज़रूर दो, ठीक है ना। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी 15-20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे ना, तो एक तो ना आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि यार मैंने चलो एक्सरसाइज करी है तो मैं क्यों ना कुछ हेल्दी चीज़ खाऊं। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपका ब्रेन भी इस तरह से यार ठीक है ना खा लेना क्या है चलने दे, इस तरह चलता रहेगा, तो आप उस मोड में चले जाते हो। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके ब्रेन को भी यह सिग्नल जाएगा यार चल यार मैंने एक्सरसाइज करी है, किस लिए एक्सरसाइज करी है, फिट होने के लिए एक्सरसाइज करी है ना, तो मैं कुछ हेल्दी ले लूँ, तो आप चॉइसेस भी हेल्दी करोगे। ओके गाइस, फिर मिलेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और इस तरह से सीखते रहें, और रन एवरी डे, स्माइल एवरी डे, आई थिंक वर्कआउट एवरी डे, स्माइल एवरी डे, भागते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, अपनों का और अपना ख्याल रखो।